बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ खादी की कलेक्शन जो एम्ब्रॉयडर्ड है मोस्टली, जिसमें ज़्यादातर वाइट एंड ब्लैक हैं। वीडियो आप देखते जाएं, प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, इसमें आप ही का फ़ायदा है। अगर आपको विज़िट करना है तो कोशिश करें कि आउटलेट पे विज़िट किया करें, चाहे वो खादी की हो, ज़ेलबरी की हो, जिस ब्रांड की भी, ओलकरम की। मॉल में जो सेल लगती है ना वो बहुत ही कम लगती है, लेकिन आउटलेट पे हर बार ही सेल में कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिल ही जाता है कम प्राइस में। तो कोशिश बस ये करें कि मॉल से ज़्यादा आप लोग विज़िट करें आउटलेट पे, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। स्टॉक कभी कभी वहाँ पुराना होता है, इस वजह से शायद अक्सर ही वहाँ पर सेल होती है। स्टफ़ इनका लॉन्ग था जिस पे एम्ब्रॉयडरी थी, और ये आई डोंट नो क्या कहते हैं इस कपड़े को, शायद जैकॉर्ड। ये सारे इसी फैब्रिक पे थे, लेकिन इनका फैब्रिक जो है थोड़ा सा मोटा था। 40% ऑफ था, ये साइजेस अवेलेबल थे, कभी अवेलेबल नहीं भी होते। ऑरेंज, पर्पल और ये टॉप्स जो जीन्स पहनती हैं उनके लिए बेस्ट है। ये इनके सारे स्टिच ट्राउज़र हैं जो 50% ऑफ पे थे। हर ब्रांड में आपको मिल जाएगा, प्लेन में भी थे। ये शर्ट भी सेल में थी, वाइट ट्राउज़र के साथ चला दें तो बस, वाइट ट्राउज़र सबके घर में होते हैं। और ये शर्ट, इसका नेक लाइन बहुत अच्छा था, इस पर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई थी, पता नहीं इस क्या कहते हैं इस एम्ब्रॉयडरी को, लेकिन ये शर्ट बहुत अच्छी लुक थी इसकी। ये 50% ऑफ पे थी, अब देख लें कि कितना कम होगा। और ये लॉन्ग शर्ट थी एम्ब्रॉयडर्ड, ये प्रिंटेड शर्ट थी और ये बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन बैगी टाइप थी। तो बस जिन जो पहनते हैं तो वो ले लें। और ये 30% ऑफ पे थी, साइज़ इसका कोई अवेलेबल नहीं था। आउटलेट पे यही है कि कभी साइज़ होता है, कभी नहीं होता, कभी वन पीस होता है, कभी टू पीस, तो इस तरह के बस आउटलेट पे ये मसला हो जाता है कि आपको साइज़ ही मिलता। और ये इनके पर्स वगैरह, बैग्स, इस तरह के पर्स अच्छे लगते हैं जो प्रिंटेड हो, तो मुझे अच्छे लगे, क्लिप बना लिया। तो आप जाके विज़िट करें, जो आपको पसंद आए स्क्रीन शॉट ले लें। और ये मेरा फेवरेट सेक्शन, कमेंट करके बताइएगा किस किस को ज्वेलरी पसंद है। मुझे इस तरह की ज्वेलरी बहुत पसंद है, खादी में अवेलेबल थी। चलिए आज का व्लॉग एंड करते हैं। आवाज़ के लिए सॉरी, मेरा गला ख़राब था, तबीयत सेट नहीं थी, लेकिन फिर भी वॉइस ओवर करना पड़ा। और बस इसी तरह वीडियोस देखते जाएँ, जिस तरह मेरी ज्वेलरी की वीडियो आपने माशाल्लाह देखी, व्यूज़ आए बहुत सारे फर्स्ट टाइम। और इनकी अनस्टिच कलेक्शन, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। प्राइस मैंने मेंशन नहीं किया उसके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह प्राइस के साथ मेंशन करूंगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।